नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेसन का टाइटल है रिफंड, जिसे लिखा है फ्रिट्स कैरेंथी ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल का मीनिंग जानेंगे। रिफंड, रिफंड का मतलब होता है धन वापसी या फिर वापस करना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्रिट्स कैरेंथी, ये है फ्रिट्स कैरेंथी। फ्रिट्स कैरेंथी एक हंगेरियन राइटर रहे और इन्होंने कई सारे शॉर्ट स्टोरीज और प्लेज यानी कि नाटक भी लिखे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। रिफंड असल में एक प्ले है और इस प्ले में कई सारे किरदार हैं, तो सबसे पहले हम इन सभी किरदारों के बारे में जानेंगे। पहला किरदार है स्कूल प्रिंसिपल का, दूसरा कैरेक्टर है मैथमेटिशियन टीचर का, तीसरा कैरेक्टर है एक ज्योग्राफी टीचर का, चौथा कैरेक्टर है एक हिस्ट्री टीचर का, पांचवा कैरेक्टर है एक सर्वेंट का और छठा और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एक स्टूडेंट का, जिसका नाम है वेसर कॉफ। सीन कुछ इस तरीके से है कि प्रिंसिपल साहब अपने ऑफिस केबिन में बैठे हुए हैं और वो कहते हैं, कहो क्या हुआ। तभी उनका नौकर यानी कि उनका सर्वेंट पास आता है और कहता है, कोई आदमी बाहर खड़ा है और वह आपसे मिलना चाहता है। प्रिंसिपल साहब थोड़ा पीछे हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई पेरेंट्स है, उनसे कहो कि मैं उन्हें सिर्फ ऑफिस आवर्स में ही मिलता हूँ। एक काम करें, उनसे ये भी कहो कि नोटिस बोर्ड पे मेरा मिलने का समय दिया गया है, तुम उन्हें ये कह दो। सर जी सर, लेकिन वो पेरेंट्स तो नहीं लगते। अच्छा, तो कोई बच्चा है क्या? नहीं नहीं सर, वो बच्चा भी नहीं है, क्योंकि उसकी हल्की हल्की दाढ़ी है। पेरेंट्स भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, तो फिर कौन है वो? सर वो कहता है कि उसका नाम वेसर कॉफ है। अच्छा, तो ये बताओ वो दिखने में कैसा है, क्या वो समझदार दिखता है या फिर बेवकूफ दिखता है? सर वो थोड़ा बहुत समझदार दिखता है। अच्छा अच्छा, तो पक्का वो स्कूल इंस्पेक्टर तो हो ही नहीं सकता। एक काम करो, उसे अंदर लेकर आओ। जी सर जी सर। वेसर कॉफ अंदर आकर खड़ा हो जाता है। कैसे हैं सर आप? प्रिंसिपल साहब अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा नाम वेसर कॉफ है, शायद आप मुझे भूल गए हैं। प्रिंसिपल साहब अपना नाम है सर हिला देते हैं। हाँ हाँ, मैं काफी बदल गया हूँ। अपना स्कूल रिकॉर्ड खोल कर देखिए, तब आपको यह समझ में आएगा कि मेरा यहाँ आना तो पक्का बनता है। क्लास रिकॉर्ड्स, लेकिन वो क्यों भला? प्रिंसिपल साहब, आपकी कृपा से मेरा नाम वेसर कॉफ है। निसंदेह तुम्हारा नाम होगा वेसर कॉफ, लेकिन इस बात का क्या लेना देना। वेसर कॉफ, लगता है सर आप मेरा नाम भूल गए हैं और शायद आप मेरा नाम याद करना भी नहीं चाहते, और मुझे तो ये लगता है कि आपको मेरा नाम भूलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। क्यों प्रिंसिपल साहब, मैं आप ही की स्कूल का स्टूडेंट हूँ और 18 साल बाद यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसा कहो ना कि तुम पुराने स्टूडेंट हो, क्या तुम्हें क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए, शायद तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मैं तो अपने साथ अपना लिविंग सर्टिफिकेट भी लेकर आया हूँ जो आपने मुझे दिया था। मुझे दूसरे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए यहाँ पर नहीं आया। अच्छा, वेसर कॉफ अपना गला साफ करता है। मैं पुराना स्टूडेंट होने के नाते इस स्कूल में आया हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे अपने सारे पैसे वापस कर दें जो मैंने अपनी शिक्षा के लिए दिए थे 18 साल पहले। प्रिंसिपल साहब थोड़ा घबरा सा जाते हैं। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रिफंड कर दूं तुम्हारी सारी ट्यूशन फीस? जी हाँ, बिल्कुल यही, सारी ट्यूशन फीस। अगर मैं अमीर होता तो मैं आपसे ये पैसे बिल्कुल भी नहीं मांगता, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अमीर नहीं हूँ और मुझे अपना सारा पैसा वापस चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं, डैम इट, मुझे अपनी पूरी ट्यूशन फीस वापस चाहिए, बस इतना ही। लेकिन तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस क्यों चाहिए? वह इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने यहाँ पर आके सारे पैसे बर्बाद कर दिए। ये सर्टिफिकेट जो ये कहता है कि मैंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी, बल्कि सच्चाई तो यह है कि मैंने यहाँ पर आकर कुछ सीखा ही नहीं और मुझे अपने सारे पैसे वापस चाहिए। इधर देखो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि एकदम बकवास आइडिया, एकदम वाहियात आइडिया है। वाहियात? बल्कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है, और ये आइडिया इतना ज्यादा अच्छा है कि मैं इसे खुद भी नहीं सोच सका, और यह सब आपकी एजुकेशन के कारण हो रहा है, क्योंकि आपने मुझे एक असमर्थ गधा बनाकर रख दिया है। बल्कि ये आइडिया तो मेरे एक पुराने क्लासमेट लीडर ने मुझे दिया,
और युवा भी सिर्फ आधा घंटा पहले और मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, तुम्हें आइडिया दिया। मैं सड़क के सहारे जा रहा था क्योंकि मुझे अपनी पिछली नौकरी से भी निकाल दिया गया था। मैं ये सोच रहा था कि मैं किस तरीके से कुछ पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ। मैं बुरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन तभी मुझे लीडर मिला। मैंने उससे पूछा, लीडर कैसे हो तुम? उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। वह कुछ जल्दी में था और कहने लगा कि मैं एक दलाल के पास जा रहा हूँ और वहाँ से मुझे कुछ पैसे लाने हैं। मैंने विदेशी मुद्रा में कुछ पैसे लगाए थे और वहाँ से मुझे लाभ हुआ है। विदेशी मुद्रा ये क्या होती है? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन अखबार में आज आया है कि हंगेरी का पैसा 70 पॉइंट्स डाउन हुआ है और इससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा है मुझे। क्या तुम समझे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारी बातें नहीं समझा। भला हंगेरी पैसे के गिरने से तुम्हें लाभ कैसे हो सकता है? अगर तुम ये नहीं समझे वेसर कॉफ, तो तुम कुछ भी नहीं समझ सकते। एक काम करो, स्कूल जाओ और अपनी ट्यूशन फीस वापस लेकर आओ। तब मैं वहाँ खड़ा होकर ये सोचने लगा कि मैंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। और मैंने जल्द से जल्द स्कूल में आया और मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप मुझे मेरी अपनी सारी ट्यूशन फीस वापस कर दीजिए, क्योंकि वह बहुत सारा पैसा था और मुझे उस पैसे का कोई भी लाभ नहीं हुआ। प्रिंसिपल साहब के पास कोई शब्द नहीं होते। आज तक ऐसी रिक्वेस्ट लेकर हमारे पास कोई भी नहीं आया, जैसा कि लीडर ने तुम्हें बताया। वेसर कॉफ, लीडर वाकई मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और जब मुझे अपने पैसे वापस मिल जाएंगे तो मैं पक्का उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाऊंगा। तुम सीरियस नहीं लगते, है ना? नहीं सर, मैं बहुत सीरियस हूँ और आज से ज्यादा सीरियस मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं रहा। लेकिन अगर आपने मुझे गलत तरीके से ट्रीट किया तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाऊंगा और आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगा कि आपने मेरे सारे पैसे खा लिए और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। मैं एकदम निकम्मा हो गया हूँ और मैं कोई भी चीजें नहीं कर पाता जो स्कूल से मैंने सीखी थी। क्या तुम पागल हो गए हो? वेसर कॉफ, एक काम करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और मामला यही रफा दफा हो जाएगा। वेसर कॉफ, नहीं नहीं सर, मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब सब कुछ सेटल हो जाएगा और मुझे अपने सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। तब मैं उन पैसों से कुछ कर सकता हूँ। और लेकिन अभी मैं कुछ भी करने जाता हूँ तो मुझसे होता ही नहीं, क्योंकि आपने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से पढ़ाया है और इसीलिए मुझे अपने सारे पैसे वापस चाहिए। और आखिरकार मैं अपने ही पैसे तो वापस मांग रहा हूँ आपसे। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें कोई भी काम नहीं आता? मुझे? मुझे क्या, सभी को यही लगता है, क्योंकि जब भी मैं कोई जॉब करने के लिए जाता हूँ तो मैं उस जॉब को पूरा कर ही नहीं पाता। एक काम कीजिए, मेरा एक एग्जामिनेशन ले लीजिए और तब आपको यह सब मालूम पड़ जाएगा कि मुझे वाकई कुछ नहीं आता। एक काम कीजिए, अपने सभी मास्टर्स को बुलाइए और उनसे कहिए कि मेरा एक एग्जामिनेशन ले लें। प्रिंसिपल साहब, क्या झंझट है! पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए और जो ये कहे कि मुझे एक और एग्जामिनेशन देनी है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। क्या तुम वाकई एग्जामिनेशन देना चाहते हो? हाँ, ये तो बनता ही है। कितनी अजीब बात है, प्रिंसिपल साहब अपना सर खुजवाते हुए कहते हैं, मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना। मुझे अपने स्टाफ से बात करनी होगी, मुझे कॉन्फ्रेंस मीटिंग करनी होगी, तब तक तुम वेटिंग रूम में जाके कुछ देर रुक सकते हो और मुझे कुछ समय दे सकते हो। हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, मेरे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। प्रिंसिपल साहब घंटी बजाते हैं और सर्वेंट अंदर आता है। पूरे स्टाफ से कहो कि एक असाधारण मीटिंग के लिए यहाँ पर आना है। यस सर, और ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। प्रिंसिपल साहब अपनी स्पीच तैयार करते हुए कहते हैं, जेंटलमैन, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। ये बहुत ही अजीब है और अटपटा है और आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। मेरे लगभग 30 साल हो चुके हैं जब से मैं स्कूल मास्टर हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कभी भी नहीं सुना और मैं ना ही ऐसा कभी सुनना चाहता हूँ। भगवान माफ करे। जेंटलमैन बैठ जाइए, हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं। अभूतपूर्व, अजीब और ऊटपटांग, एक पुराना स्टूडेंट मेरे पास आया है और उसने मुझसे एक इस प्रकार का प्रश्न किया है जो आज तक मैंने कभी भी नहीं सुना अपने पूरे एक्सपीरियंस में, अपने पूरे अनुभव में। मैथमेटिशियन टीचर, सर हमें उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बारे में? उसने अपनी नौकरी गवा दी है, वो अंदर से टूटा हुआ है और वो वाकई गधा है। मैं आप सभी के इस बारे में एक राय जानना चाहता हूँ और ये एक बहुत ही अद्भुत केस है। फिजिक्स मास्टर कहते हैं, जेंटलमैन, केस बहुत ही ज्यादा साफ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताती है कि वह स्टूडेंट हारा हुआ है। एक पीरियड में जितना हमें समय मिलता है, हम उतना पूरा नॉलेज उस आदमी के दिमाग में डालने की पूरी कोशिश करते हैं। तब हिस्ट्री टीचर कहते हैं, पूरे मानव इतिहास में, पूरी मानव सभ्यता में आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि बर्बोन्स ने कुछ सीखा ही नहीं और वह कुछ
भूला ही नहीं। फिजिक्स मास्टर कहते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दो राजी हुए। तब मैथमेटिशियन टीचर कहते हैं, सर प्रश्न तो यह है कि वह उन पैसों को सिंपल तरीके से मांगना चाहता है या फिर वह उन पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ पैसा मांगता है। ज्योग्राफी मास्टर, लेकिन आखिरकार वो बंदा है कहाँ? प्रिंसिपल साहब, वो बाहर वेटिंग रूम में इंतजार कर रहा है। वह यह चाहता है कि हम उसका री एग्जामिनेशन ले और उस री एग्जामिनेशन में सिद्ध हो जाएगा कि वाकई उसे कुछ नहीं आता। जेंटलमैन, आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? मैथमेटिशियन टीचर तभी एक दबी हुई आवाज में कहते हैं, एक री एग्जामिनेशन। जेंटलमैन, मुझे ये लगता है कि अगर हम वेसर कॉफ का एक री एग्जामिनेशन ले तो इसमें हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो उस री एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है तो वाकई हम एक अजीबोगरीब स्थिति में होंगे। हमें उसे फेल नहीं होने देना है, तो हमें क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसे जिंदगी के बारे में बहुत ही आसान प्रश्न करने चाहिए और हम एक भी डिफिकल्ट प्रश्न करेंगे ही नहीं। क्यों जेंटलमैन, आप सभी इस बात से राजी हैं? वो एक बहुत ही कपटी और एक बहुत ही धूर्त आदमी है और वह ये पूरी कोशिश करेगा कि वह हमसे बेहतर करे और अपना पूरा पैसा वापस ले ले। वो हर प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करना चाहेगा, लेकिन आखिरकार हमें उसे मात देनी होगी। फिजिक्स मास्टर, लेकिन भला वो कैसे? मैथमेटिशियन मास्टर, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन साथ में मिलकर हमें किसी भी हाल में उसे फेल होने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो फेल हो जाता है तो वह पास हो जाएगा। हमें किसी भी हाल में उसे रोकना ही होगा, लेकिन अगर वो आज फेल हो जाता है तो कल हमारे सामने दो फॉर्मर स्टूडेंट आकर खड़े हो जाएंगे और अगले ही दिन एक दर्जन से भी ज्यादा लोग हमारे सामने ऐसे खड़े होंगे जो अपना पैसा वापस मांग रहे होंगे। हमें किसी भी हाल में एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा और उसे हराना होगा। जेंटलमैन, कहीं ये अनुभव हमारे लिए एक दर्द भरा अनुभव बनकर ना रह जाए। हम सभी उससे ऐसे प्रश्न करेंगे कि जिसके अंदर पहले से ही आंसर छुपे होंगे और उसके कुछ कहने से पहले हम हाँ में सर हिला देंगे और उसके सभी आंसर्स को करेक्ट मान लिया जाएगा। तब हिस्ट्री मास्टर कहते हैं, लेकिन ये तय कौन करेगा? मैथमेटिशियन मास्टर कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब, हमें सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए ताकि हम उस बंदे का एक री एग्जामिनेशन ले सकें और आखिरकार हमें उसे बता देंगे कि हम कितने ज्यादा चंट और चालाक हैं। प्रिंसिपल साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है? कहीं ये बात न्यूज़पेपर में आ गई तो? मैथमेटिशियन मास्टर, छोड़िए सर। तब प्रिंसिपल साहब सर्वेंट को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ वेसर कॉफ को लेकर आओ। वेसर कॉफ जेब में हाथ डालकर अंदर आता है और वो किसी का भी अभिवादन नहीं करता। वो सबको घूर घूर कर देखता है। तभी पूरा स्टाफ बोलता है, कैसे हैं आप? तब वेसर कॉफ बोलता है, तुम सभी कौन हो? बेवकूफो, उचक्को, बैठ जाओ। तब प्रिंसिपल साहब कहते हैं, तुम ये सबसे कैसे बातें कर रहे हो? मैथमेटिशियन टीचर तभी अचानक बीच में बोलते हैं, सभी उचक्को, बैठ जाओ। और फिर वो वेसर कॉफ की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि डियर सर, आपने तो हमें ये बताया है कि पुरुष प्रधान मैनरिज्म क्या होता है, पुरुष प्रधान देश में किस प्रकार से सबको अभिवादन किया जाता है। हम पूरा इंस्टीट्यूशन आपके इस अभिवादन से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। बल्कि पुराने समय की बात है, मध्यकालीन युग में जितने भी आदमी हैं, जितने भी टीचर्स होते थे और जितने भी बच्चे होते थे, उन सभी को समान तरीके से ट्रीट किया जाता था। आपने तो हमारे पुराने कस्टम्स, पुराने रीति रिवाज को एक बार फिर से हमारे सामने बताया है और मुझे लगता है कि मेरे जितने भी स्टाफ के लोग हैं वो आपकी इस बात से एग्री करेंगे। वेसरकॉफ हम सभी के सामने मौजूद है ताकि वो री एग्जामिनेशन दे सके और मुझे लगता है कि जेंटलमैनलीनेस में से एक्सलेंट देना चाहिए। प्रिंसिपल साहब पूरा मांडरा समझ जाते हैं और कहते हैं, एकदम सही, एकदम सही। और वो लिखते हैं, मैनरिज्म एक्सलेंट। पूरा स्टाफ बोल उठता है, एकदम सही, एकदम सही। वेसरकॉफ को कुछ भी समझ नहीं आता। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मेरे जेंटलमैन होने का मतलब ये नहीं कि मैंने एग्जामिनेशन पास कर दिया है। अब मुझे जल्द से जल्द फेल होने दो और मुझे मेरा सारा पैसा वापस कर दो। यहाँ पे सब कुछ एकदम नॉनसेंस है। प्रिंसिपल साहब पूरे स्टाफ की तरफ से कहते हैं कि हम पूरा स्टाफ तुम्हारी हर एक बात से एग्री करते हैं। तुम्हारी इस कर्टेसी का हमारे एग्जामिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तुम्हारा एग्जाम जरूर लेंगे और तुम्हें हमारे हर क्वेश्चन का जवाब देना होगा। इस बात को ध्यान रखो। वेसरकॉफ, तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मुझे क्वेश्चन सुनने दो और मुझे अपने पैसे जल्द से जल्द वापस चाहिए। वेसरकॉफ अपना कोट उतार देता है और अपने बावों को ऊपर चढ़ा लेता है। चलो मुझसे क्वेश्चन पूछो प्रोफेसर, मेरा मतलब है कि बड़े कान वाले गधे, चलो क्वेश्चन पूछो। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक भी सही आंसर कैसे निकलवा पाते हो। प्रिंसिपल साहब, तो एग्जामिनेशन शुरू होता है। हिस्ट्री टीचर, ये रहा वेसरकॉफ।
हिस्ट्री टीचर अपने चेयर को एकदम बीच में ले जाते हैं और वेसरकॉफ से बोलते हैं कि क्या तुम बैठे नहीं हो। तब वेसरकॉफ, ये क्या लगा रखा है, तो चलो मैं खड़ा हो जाता हूँ। तभी मैथमेटिशियन टीचर अचानक बीच में से फिर से बोल उठते हैं, एक्सलेंट, ब्रावो, बहुत अच्छे। वेसरकॉफ हमें दो चीजें सिखाना चाहता है। पहला कि वो रिटन में एग्जामिनेशन नहीं देना चाहता और वो ओरली एग्जामिनेशन देगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और इसका मतलब ये है कि उसकी फिजिकल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रिंसिपल साहब इसे फिजिकल कल्चर में एक्सेलेंट नंबर दे। प्रिंसिपल साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फिजिकल कल्चर में इसे एक्सेलेंट दिया जाता है। पूरा स्टाफ एकदम बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वेसरकॉफ, नहीं नहीं, और वो तुरंत बैठ जाता है। इस बार तो तुमने मुझे जकड़ लिया, लेकिन ऐसा अगली बार नहीं होगा। अब से मैं अपने कान हमेशा खुले रखूंगा। प्रिंसिपल, सतर्कता कितनी लाजवाब है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हिस्ट्री टीचर, वाह वाह, कितनी गजब की दृढ़ता है। मैथमेटिशियन टीचर, सतर्कता और तार्किक शक्ति कितनी गजब की है। चलो चलो अपने क्वेश्चन शुरू करो, वेसरकॉफ ने कहा। मैथमेटिशियन मास्टर, वाह, कितनी गजब की महत्वाकांक्षा है। प्रिंसिपल साहब, हाँ, मैं सर हिलाते हैं और उसे भी लिख लेते हैं। हिस्ट्री मास्टर, बस एक मिनट। वेसरकॉफ, लगता तुम तैयार नहीं हो। हिस्ट्री मास्टर, नहीं नहीं, बस एक मिनट। वेसरकॉफ, तो तुम एक आसान सा क्वेश्चन भी नहीं सोच पा रहे, तुम हमेशा से ही एक बुद्धू रहे हो। हिस्ट्री मास्टर को तभी अचानक एक क्वेश्चन याद आ जाता है और वो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि 30 साल का युद्ध कितने साल चला। वेसरकॉफ जैसे ही बोलने लगता है 30, लेकिन अचानक ही वो रुक जाता है और कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम। हिस्ट्री मास्टर कहते हैं कि चलो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, मुझे मालूम है कि तुम्हें आंसर मालूम है, चलो उसका जवाब दो। तभी फिजिक्स मास्टर वहां से जोर से थोड़ा बोल उठते हैं, पूरे 30 साल। और एक तरफ ज्योग्राफी मास्टर अपने हाथों से इशारा करते हैं, 30 साल, 30 साल। वेसरकॉफ कहता है, मिस्टर प्रिंसिपल, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम करवाने का ये कोई सही तरीका है। और वो फिजिक्स टीचर की तरफ इशारा करता है, ये आदमी चाहता है कि मैं चीटिंग करूं। प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं इस मामले को जरा गौर से देखूंगा। और वो फिजिक्स मास्टर को कहते हैं कि जाओ अपनी जाकर सीट पर बैठ जाओ। और फिजिक्स मास्टर जाकर अपनी सीट पर वापस बैठ जाते हैं। वेसरकॉफ बहुत सोच समझने के बाद जवाब देता है, 30 साल का युद्ध कितने साल चला होगा, यही तुम्हारा क्वेश्चन है ना। हिस्ट्री मास्टर, हाँ हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन। वेसरकॉफ, अच्छा मुझे लगता है ये 7 मीटर चला होगा। और उसके जवाब से सब एकदम सत्ते में आ जाते हैं कि ये किस प्रकार का जवाब है। हाँ हाँ 7 मीटर, हाँ बिल्कुल वो 7 मीटर ही चला होगा। और मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ और मैं यहाँ पर फेल हो जाता हूँ। हा 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 7 मीटर, लाओ अब मेरे ट्यूशन फीस वापस लाओ, लाओ 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 जल्दी लाओ। पूरे मास्टर एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी सारी होशियारी अब यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन तभी हिस्ट्री मास्टर कहते हैं, 7 मीटर, हाँ हाँ तुम्हारा आंसर एकदम सही है। वेसरकॉफ, ये तुम क्या कह रहे हो। हिस्ट्री मास्टर, देखा जाए तो पूरे युद्ध 30 साल नहीं चला होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ दिन में लड़ते थे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और दिन में लगभग 12 घंटे होते हैं। अगर इस प्रकार से देखें तो 30 साल का समय लगभग 15 साल का रह जाएगा। और पूरे दिन वो लड़ते भी नहीं होंगे, वो खाना भी खाते होंगे, तो 3 घंटे का समय अगर हम उसमें से घटा दें तो केवल 12 साल ही बच के रह जाएंगे। और अगर हम इसी प्रकार से और घटाते हैं तो शाम के समय में युद्ध तो नहीं होते थे, अगर उसका समय भी घटा दिया जाए तो ये एकदम सही जवाब होगा। मैथमेटिशियन टीचर जवाब देते हैं, तो आइंस्टाइन की थ्योरी हमें ये बताती है कि 7 मीटर एकदम सही जवाब है। मुझे लगता है जेंटलमैन ने एकदम सही जवाब दिया और हिस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पूरा स्टाफ, लाजवाब, तुमने एकदम सही जवाब दिया और तुम पास होते हो। वेसरकॉफ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। प्रिंसिपल साहब, हिस्ट्री का एग्जामिनेशन ओवर हुआ, बहुत अच्छे। सब लोग हिस्ट्री मास्टर को बधाइयां देते हैं। और अब एग्जामिनेशन होगा फिजिक्स का। फिजिक्स मास्टर जाकर हिस्ट्री मास्टर की जगह ले लेते हैं। वेसरकॉफ, तो अब इस बुद्धू और छलिए से मुझे बात करनी होगी। फिजिक्स मास्टर, चलो चलो। वेसरकॉफ, वेल अब क्या होने वाला है, तुम मुझसे जल्द से जल्द क्वेश्चन करो, नहीं तो रहने दो, मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओ, मुझे कुछ याद आया, मैं तुम्हें पीठ के पीछे क्या बुलाया करता था, तुम्हें याद है? नरभक्षी, हाँ यही बुलाता था मैं तुम्हें, क्योंकि तुम हमेशा अपना अंगूठा अपने मुंह में चबाते रहते थे, जिस प्रकार से तुम अभी इसे चबा रहे हो। जैसे ही वेसरकॉफ ये कहता है, मास्टर अपने अंगूठे को अपने मुंह से निकाल लेते हैं और पूरा स्टाफ हंसने लगता है। और इसीलिए हम तुम्हें नरभक्षी कहा करते थे। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें वो दिन याद है कि जब तुम जमीन पर नीचे गिर गए थे? क्या तुम्हें वो याद है कि वह रस्सी किसने बांधी थी?
वो रस्सी मैंने ही बांधी थी। फिजिक्स मास्टर, क्या वो तुम थे? वेसलकॉव, ज्यादा उछलो मत छोटे से आदमी, तुम अपना सबसे कठिन क्वेश्चन मुझसे पूछो। फिजिक्स मास्टर किसी प्रकार से अपने आप को कंट्रोल करते हैं और बहुत ही प्यारी सी आवाज में कहते हैं, वेसरकॉव मुझे ये बताओ कि अगर एक चर्च के ऊपर एक घड़ी लगी हुई है और तुम घड़ी से दूर की तरफ जा रहे हो तो घड़ी तुम्हें छोटी हुई दिखाई देगी, तो ये वाकई हो रहा है या फिर यह तुम्हारा इल्यूजन है? वेसरकॉव जवाब देता है, कितनी बकवास बातें कर रहे हो तुम, भला ये मुझे कैसे मालूम होगा? जब जब मैं घड़ी से दूर जाता हूँ तो वो तो मुझे अक्सर में बड़ी होती हुई दिखाई देती है, और अगर मुझे उसे छोटा करना होता है तो मैं वहां से मुड़ जाता हूँ और वह छोटी हो जाती है। फिजिक्स मास्टर कहते हैं, तुम एक शब्द में जवाब दो। वेसरकॉव कहता है, अगर मैं एक शब्द में जवाब दूं तो मेरे गर्दन में दर्द करने लगेगा, तुम वाकई गधे हो और यही मेरा जवाब है। फिजिक्स मास्टर, तो क्या यही तुम्हारा जवाब है? हाँ यही मेरा जवाब है। वाकई ये तो बहुत ही अच्छा जवाब है, ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था लेकिन तुमने इसका आंसर बहुत ही बखूबी तौर पर दिया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसे समझाता हूँ। जब हम गधों की बात करते हैं तो हमने हमेशा ध्यान में दिया होगा। पूरा स्टाफ कहता है, हाँ हाँ। तो फिजिक्स मास्टर कहते हैं, वो हमेशा ही बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देता है। अब मुझे समझ में आ गया। वेसरकॉव, तो तुम्हें क्या समझ में आ गया बंदर? फिजिक्स मास्टर, मुझे समझ में आ गया है कि आंसर एकदम सही है। जब हम एक गधे को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई देता है, लेकिन भला एक गधा बहुत ज्यादा उदास क्यों दिखाई देता है? वह इसलिए उदास दिखाई देता है क्योंकि वह भ्रांति का शिकार है। एक गधा वाकई भ्रांतियों का शिकार होता है और जिसे हम ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। एक गधा कोई विचार नहीं कर सकता, वह सोच समझ नहीं सकता और इसीलिए उसको मृग मिरीचिका की बीमारी हो जाती है। और अगर एक गधा जब एक इंसान बनता है और अगर वह किसी ऑब्जेक्ट से दूर जाता है तो चीजें उसे छोटी होती हुई दिखाई देगी। तो इस प्रकार से कैंडिडेट ने एकदम सही जवाब दिया है, एकदम एक्सलेंट जवाब दिया है। कैंडिडेट हमारा ध्यान एक गधे की तरफ ले गया है, जो वाकई बहुत ही ज्यादा गजब की बात है, क्योंकि एक गधा बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई देता है और वह इसलिए क्योंकि वह अपने सेंसेस का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता और इसीलिए उसे चीजें छोटी दिखाई देती है। और जब हम क्लॉक के बारे में बात करती है तो इस प्रकार से उसको एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। और अगर हम इस प्रकार से देखें तो यह जवाब एकदम सही होगा और इस प्रकार से कैंडिडेट फिजिक्स के एग्जाम में पास हो जाता है और मैं इसे वेरी गुड देता हूँ। प्रिंसिपल लिखते हैं फिजिक्स में वेरी गुड, पूरा स्टाफ ब्रावो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग फिजिक्स टीचर को बधाइयां देते हैं। वेसरकॉफ कहता है कि मुझे इसका विरोध करना है। प्रिंसिपल साहब उसको चुप करवाते हैं और कहते हैं कि अब ज्योग्राफी का एग्जाम होगा। ज्योग्राफी मास्टर आकर फिजिक्स टीचर की जगह लेते हैं। वेसरकॉफ, जरा देखो तो इस बुढ़े कपटी आदमी को, कैसे हो तुम बुद्धू? ज्योग्राफी मास्टर, मैं माफी चाहूंगा। वेसरकॉफ, मेरा नाम हमेशा से ही तुम्हारी क्लास बुक में रहता था बदमाश बच्चों की, तुम हमेशा से ही बुढ़े और एकदम नीच आदमी रहे हो। अभी रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें अभी ठीक कर देता हूँ। ज्योग्राफी मास्टर, मुझे ये बताओ कैंडिडेट, तभी वेसरकॉव बोलता है, रुको रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं तुम्हें 18 साल पहले भी कितनी ज्यादा नफरत करता था। ज्योग्राफी मास्टर तभी उसे बीच में रोकते हुए कहते हैं, मुझे बताओ कि अगर जर्मनी के एक प्रांत का नाम ब्रुंसविक है और उसकी कैपिटल का नाम भी वही होगा तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? वेसरकॉव, ये किस प्रकार का बेवकूफाना क्वेश्चन है, तुमने अपने क्वेश्चन में ही इसका जवाब दे दिया। ज्योग्राफी मास्टर अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं, तो कहो कहो इसका जवाब कहो। वेसरकॉव, सेम सेम होगा इसका आंसर, अगर किसी सिटी का नाम सेम होगा तो उसकी कैपिटल का नाम भी सेम होगा, क्यों है ना? लाओ अब मैं फेल होता हूँ और मुझे मेरी ट्यूशन फीस वापस करो, लाओ लाओ वापस लाओ। ज्योग्राफी मास्टर, आंसर एकदम सही है, शहर का नाम है सेम। जेंटलमैन को ब्रुंसविक शहर के बारे में वाकई बहुत अच्छी जानकारी है और वह इसके इतिहास के बारे में भी जानता है। बहुत पुरानी बात है, एक बार लेजेंड राजा बारबोसा वहां पर सैर करते हुए आए और उस शहर में एक उन्होंने एक छोटी सी बच्ची से पूछा कि इस शहर का नाम क्या है। बच्ची अपने मुंह में ब्रेड को चबा रही थी और उसका मुंह पूरी तरीके से भरा हुआ था और बच्ची ने कहा कि शहर का नाम है सेम। और फिर राजा बारबोसा उस शहर का नाम सुनते ही हंस दिए क्योंकि उस बच्ची का पूरा मुंह भरा हुआ था और उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। एम्परर हंसने लगे, हो तो शहर का नाम है सेम।
जीती रहो बेटा, जीती रहो। और तभी से ब्रुंसविक शहर का कैपिटल का नाम पड़ गया सेम। ज्योग्राफी मास्टर अपने कलीग्स की तरफ देखते हैं और आंख मारते हुए कहते हैं कि कैंडिडेट ने एकदम सही जवाब दिया है और कैंडिडेट को ज्योग्राफी में एक्सीलेंट दिया जाता है। प्रिंसिपल साहब लिखते हैं, ज्योग्राफी में एक्सीलेंट, कैंडिडेट ने अभी तक सभी एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और अब केवल मैथमेटिशियन का एग्जामिनेशन बचा है और मुझे ये पूरा भरोसा है कि वह इस एग्जामिनेशन को भी आसानी से पास कर लेगा। वेसरकॉफ नर्वस हो जाता है। वह कहता है कि अब उसे और भी ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। तभी मैथमेटिशियन मास्टर आकर वेसरकॉफ के सामने बैठ जाते हैं। सभी मास्टर बहुत ही ज्यादा चिंतित दिखाई देते हैं और उनकी पूरी निगाहें मैथमेटिशियन मास्टर के पास होती है। मैथमेटिशियन मास्टर सभी को यह आश्वस्त करते हैं कि वह इस कंडीशन को आसानी से संभाल लेंगे। और तभी वेसरकॉफ कहता है, तुम बुढ़े, तुम आज तक वैसे के वैसे ही हो, तुम कीचड़ में फंसी पुरानी लकड़ी की तरह हो। क्या तुम्हें याद है कि हम तुम्हें कीचड़ में फंसी पुरानी लकड़ी कहा करते थे तुम्हारे पीठ के पीछे? अच्छा होगा कि अगर तुम अपने दिमाग को साफ कर लो। मैं तुम्हें मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 5 आता है। मैंने तो अपने पहाड़े भी खुद बनाकर रखे हैं। अगर हम 8 एप्पल और 2 पियर्स को मिलाएंगे तो पूरे 27 एप्रिकॉट्स होंगे। यह मेरा तरीका है और मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। बाहर में गई तुम्हारी मैथमेटिशियन, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड, करेक्ट, एक्सलेंट। अब यह सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अब यह समय आ चुका है कि तुम सिंपल ये कह दो कि तुम तैयार नहीं हो और मुझे फेल होने दो। मैथमेटिशियन मास्टर थोड़ा जोर देते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस सीरियस एग्जामिनेशन को मजाक में लेना चाहिए। मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एक आसान होगा और एक मुश्किल होगा। वेसरकॉफ उसकी नकल करते हुए कहते हैं, एक आसान होगा और एक मुश्किल होगा। तुम हमेशा से ही पुरानी लकड़ी की तरह रहोगे जो कि कीचड़ में फंसी हुई है। मुझे आज भी याद है कि हम तुम्हारी तस्वीर बोर्ड पे बनाया करते थे। मैथमेटिक्स मास्टर तभी इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि अगर एग्जामिनेशन आर्ट्स का होता तो मैं तुम्हें पूरे नंबर देता, लेकिन यह एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का है। अब मैं तुमसे सबसे आसान प्रश्न करूंगा। मुझे बताओ कि अगर स्पीड ऑफ लाइट को एक्स से डिनोट किया जाए और साइरस स्टार की दूरी सन से अगर वाई की होगी तो उसका सर्कमफ्रेंस 109 साइडेड रेगुलर पॉलीहेड्रॉन होगा, और अगर मैं उसके सरफेस एरिया की बात करूं तो वह कॉन्साइड करेगा एक स्टेट रेलवे एम्प्लॉय के पिक पॉकेट से, और उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है और वह भी 2 साल 11 महीने से एक सर्जेंट के लिए। तो बताओ इसका जवाब क्या होगा? पूरा स्टाफ को कुछ समझ नहीं आता कि ये प्रोफेसर ने किस प्रकार की बात की है। प्रिंसिपल भी उनकी तरफ देखते हैं। वेसरकॉफ कहता है कि अब हमारे बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, क्या तुम अपने क्वेश्चन को फिर से दोहरा सकते हो? मैथमेटिशियन मास्टर कहते हैं, नहीं, मैं अपने जवाब को फिर से रिपीट नहीं करूंगा, तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए। या तो तुम्हें जवाब मालूम है या तो जवाब नहीं मालूम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसका जवाब मालूम है। वेसरकॉफ कहता है, मुझे मालूम है और मैं इसका जवाब तुम्हें जरूर दूंगा। इसका जवाब होगा 2629 लीटर एग्जैक्टली, और इसमें कोई भी फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है। क्या मैंने तुम्हें सही जवाब दिया? और मैंने ये अपना सबसे बढ़िया जवाब तुम्हें दिया है। तब मैथमेटिशियन मास्टर कहते हैं कि नहीं, ये जवाब एकदम गलत है और सही जवाब होगा इसका 2628 लीटर, न कि 29 लीटर। मैथमेटिशियन मास्टर प्रिंसिपल साहब की तरफ मुड़कर कहते हैं कि कैंडिडेट ने सही जवाब नहीं दिया और मैं इसे फेल करना चाहूंगा। वेसरकॉफ एकदम उछल पड़ता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था। प्रिंसिपल साहब एकदम सन्न हो जाते हैं, वो बौखला जाते हैं और कहते हैं, प्रोफेसर। तभी मैथमेटिशियन मास्टर कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा माफी चाहता हूँ कि इसने जो जवाब दिया वह केवल 10% का एरर उसमें है, लेकिन एक एरर होता है और इसीलिए मैं इसे फेल करना चाहूंगा। वेसरकॉफ कहता है कि अब मुझे अपनी ट्यूशन फीस वापस करो, लाओ मुझे अपनी ट्यूशन फीस वापस करो। मैथमेटिशियन टीचर कहते हैं कि मेरी राय में कैंडिडेट अपनी रिक्वेस्ट को बहुत ही सही तरीके से उसने रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि यह एग्जामिनेशन पास करने में असफल हुआ है और इसने अभी तक हमें जितना भी पैसा दिया है इसे पूरा पैसा वापस कर दिया जाए। वेसरकॉफ कहता है कि एकदम सही बात है और मुझे मेरे पूरे पैसे वापस मिलने चाहिए।
पूरे स्टाफ को ऐसा लगता है मानो वो स्वर्ग से एकदम जमीन पर धड़ाम से गिर गए हों। प्रिंसिपल झुंझलाते हुए मैथमेटिशियन मास्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यही आप चाहते हैं। तब मैथमेटिशियन मास्टर कहते हैं, जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कूल की भलाई के लिए है और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इसके लिए एकदम यही करें और इससे हमारी रेपुटेशन पे कोई इंजरी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि वेसरकॉफ को हमें सारा पैसा वापस करना चाहिए। वेसरकॉफ, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा टोटल कितना पैसा बनता है। वेसरकॉफ एकदम लालची हो जाता है और वह सभी चीजों को भूल जाता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ कि मेरे कितने क्राउंस हुए। और वह कहता है कि मैंने इस स्कूल को 6 सालों के लिए अटेंड किया था। शुरुआत के 3 सालों में मैंने हर 4 महीने के लिए 150 क्राउंस दिए थे, जिसका टोटल होगा 3 सालों के हिसाब से 1800 क्राउंस। और अगर मैं अगले 3 सालों की बात करूं तो मैंने हर 6 महीने के लिए 400 क्राउन दिए थे, तो इसका टोटल होगा 2400। और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो इसका टोटल सम होगा 4200 क्राउन्स। और अगर मैं एग्जामिनेशन फीस को मिलाऊं तो 240 क्राउन्स और 95 हेलर इसके बनते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, स्टाम्प, टैक्सेस और इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो इसका टोटल होगा 1240 क्राउन्स और साथ ही साथ 43 हेलर, ये इसका टोटल होगा। और अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो इसका टोटल होगा 5682 क्राउन्स और 38 हेलर। और अगर स्टेशनरी, नोटबुक इनका भी पैसा मिला दिया जाए तो 768 क्राउन एंड 12 हेलर होगा। और अगर मैं इसका ग्रैंड टोटल करूं तो यह होगा 6450 क्राउन और 50 हेलर। मैं तुम्हारे लिए हेलर नहीं लूंगा, तो मुझे तुम सिर्फ क्राउन्स ही दे दो। मैथमेटिशियन मास्टर पेन और पेपर लेके सभी हिसाब को लिखते हैं और कहते हैं कि ये एकदम सही हिसाब है। वेसरकॉफ कहता है कि हाँ हाँ, ये एकदम सही हिसाब है और लाओ अब मुझे अपना सारा पैसा वापस करो। मैथमेटिशियन मास्टर कहते हैं कि इसमें कोई भी ज्यादा संदेह नहीं है और इसमें कोई प्रश्न की जरूरत नहीं है, इसकी हर एक छोटी डिटेल एकदम सही थी। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने बहुत सही जवाब दिया और यही मेरा दूसरा प्रश्न था और यह सबसे ज्यादा कठिन प्रश्न था। वेसरकॉफ, क्या? मैथमेटिक्स मास्टर प्रिंसिपल साहब की तरफ देखकर कहते हैं कि मैं कैंडिडेट को मैथमेटिक्स में पास करना चाहूंगा। इसने आसान प्रश्न का एक छोटा सा गलत जवाब दिया और अगर हम इसे छोड़ दें तो इसने कठिन जवाब, जो कि मैंने पूछा था कि इसका रिफंड कितना होगा, वह एकदम सही जवाब दिया। और इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि वेसरकॉफ एक मैथमेटिकल जीनियस है। वेसरकॉफ अपना सर पीट लेता है और कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे इस तरीके से फंसा ही लिया। प्रिंसिपल साहब खड़े हो जाते हैं और वह एग्जामिनेशन का रिजल्ट घोषित करते हैं। वो कहते हैं कि वेसरकॉफ ने सभी सब्जेक्ट को डिस्टिंक्शन के साथ पास कर लिया है और वह एक सर्टिफिकेट का हकदार है। हम हमारी तरफ से वेसरकॉफ को बधाई देते हैं और वह कहते हैं कि हमने तुम्हारे नॉलेज और एबिलिटी को अच्छी तरीके से जांच लिया है। और तभी प्रिंसिपल साहब एक घंटी बजाते हैं और तब वो वेसरकॉफ से कहते हैं कि तुम खुद यहां से जाओगे या हम तुम्हें बाहर फेंक दें। हिस्ट्री मास्टर कहते हैं, तो अच्छा, तो तुमने मुझे बुद्धू कहा था, अब जरा एक बार फिर से कह के दिखाओ। फिजिक्स मास्टर कहते हैं, तो मैं मांस खाता हूँ और तुम्ही ने मेरी चेयर को बांधा था जिसके कारण मैं जमीन पर गिर गया था। ज्योग्राफी मास्टर कहते हैं कि मैं पाखंडी हूँ, मंदबुद्धि और गधा हूँ। मैथमेटिशियन मास्टर कहते हैं, और मैं कीचड़ में फंसी एक पुरानी लकड़ी हूँ। इतने में ही सर्वेंट आ जाता है और कहता है, जस सर। तभी प्रिंसिपल साहब वेसरकॉफ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उठाकर बाहर फेंक दो इस चीज को। और तभी सर्वेंट वेसरकॉफ का कॉलर पकड़ता है और उसे उठाकर बाहर ले जाता है। प्रिंसिपल साहब सभी टीचर्स का धन्यवाद अदा करते हैं और कहते हैं कि आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। भला आप सभी टीचर्स के होते हुए हमारे स्कूल में कोई स्टूडेंट कैसे फेल हो सकता है। सभी एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, तालियां बजाते हैं और तभी पर्दा गिर जाता है। कहानी खत्म। दोस्तों, ये था इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। आप सभी जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।